हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट का, जिसका कोड है 402। ठीक है, और सिलेबस है ये BFA फोर्थ ईयर का। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे विंसेंट वॉन गॉग जी के बारे में, जिसमें हमारा पोर्ट्रेट्स टॉपिक हो चुका था, और अब हमारा टॉपिक है सेल्फ पोर्ट्रेट से हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक, तो इस पर बात करते हैं। उनमें शारीरिक रूप से निरूपण की एक विस्तृत श्रृंखला है। वॉन गॉग की मानसिक और शारीरिक स्थिति आमतौर पर स्पष्ट है ना, यानी जो वॉन गॉग जी हैं उनकी जो शारीरिक रूप से उनमें निरूपण की एक विस्तृत श्रृंखला बताई है। वॉन गॉग की मानसिक और शारीरिक स्थिति आमतौर पर स्पष्ट है। वह अनियंत्रित असंतुष्ट या एक उपेक्षित धाड़ी के साथ गहरी धसी हुई आँखों, एक कमज़ोर जबड़े या खोए हुए दांतों के साथ दिखाई दे सकता है ना। यानी इसमें बताया कि जो वॉन गॉग जी की मानसिक और जो शारीरिक स्थिति है वो मतलब स्पष्ट रूप से बताई है कि वो कैसे दिख सकते हैं या कैसे हैं ना, कि वह अनियंत्रित असंतुष्ट या एक उपेक्षित धाड़ी के साथ है ना, और गहरी धसी हुई उनकी आँखें हैं, कमज़ोर जबड़े या खोए हुए दांतों के साथ भी दिखाए जा सकते हैं। यानी उनकी जो आंखें हैं वो गहरी धसी हुई दिखाई गई हैं और दाढ़ी दिखाई गई है, उपेक्षित दाढ़ी, यानी जो मतलब जो बनी हुई नहीं होती है ठीक से, और वो कमज़ोर जबड़े के या खोए हुए दांतों के साथ भी दिखाई दे सकता है। कुछ ने उरे होठों के साथ दिखाया है ना, या एक लंबा चेहरा या प्रमुख खोपड़ी, मतलब अलग अलग पोर्ट्रेट्स में वो अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं, किसी में कैसे, तो वो इसमें बताया है। या तेज सतर्क विशेषता है ना, तो कुछ ने उसे पूरे होठों के साथ दिखाया, एक लंबा चेहरा या प्रमुख खोपड़ी या तेज सतर्क विशेषताएँ। ठीक है, उनके बाल सामान्य लाल हो सकते हैं या कई बार राख के रंग के हो सकते हैं, मतलब जो उनके बाल हैं वो सामान्य लाल, मतलब लाल भी दिखाई देंगे कहीं कहीं, या कहीं राख के रंग के भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उनकी शारीरिक रूप का जो निरूपण का विस्तृत श्रृंखला बताई है वो, कि कैसे दिखेंगे पोर्ट्रेट्स में, कैसे दिखाई देते थे वो, है ना। तो जो बहुत ही अजीब है जो भी उनका डिस्क्रिप्शन है, तो क्योंकि जो विंसेंट वैन गॉग जी थे वो थोड़े अजीब ही थे, उनका करेक्टर अजीब ही था। ठीक है, वॉन गॉग की निगाहें शायद ही कभी दर्शकों पर निर्देशित होती हो, मतलब जो उनकी निगाहें थी वो बहुत कम दर्शकों पर निर्देशित होती थी, वो ज़्यादातर दर्शकों की साइड देखते नहीं थे। पोर्ट्रेट्स तीव्रता और रंग के भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब जो पोर्ट्रेट्स थे वो तीव्रता के और रंग के अलग अलग होते थे, भिन्न भिन्न होते थे, और विशेष रूप से दिसंबर 1888 के बाद चित्रित किए गए रंगों में, यानी जो मतलब विशेष रूप से है ना, जो दिसंबर 1888 के बाद जो चित्रित किए गए थे उसमें रंगों में ज्वलंत रंग उसकी त्वचा के छोटे पैलोर को उजागर करते हैं ना, मतलब ज्वलंत रंग और छोटे त्वचा के जो छोटे पैलोर होते हैं उनको उजागर करते हैं। कुछ कलाकार धाड़ी के साथ चित्रित करते हैं, अन्य बिना, यानी जो कुछ कलाकार हैं वो धाड़ी के साथ भी चित्रित करते हैं और कुछ में उनकी धाड़ी नहीं भी है ना, मतलब सब में अलग अलग है, मतलब कुछ में उनको शेव के साथ दिखाया जाता है, कुछ में नहीं दिखाया जाता है। वह अपने कानों को कटे फटे होने के ठीक बाद निष्पादित चित्रों में पट्टियों के साथ देखा जा सकता है, यानी जो उनके कान हैं उसमें कटे फटे होने के ठीक बाद है ना, मतलब जो वो जो कान था उनका वो कटा फटा था, तो उसके बाद जो निष्पादित चित्रों में पट्टियों के साथ उनको देखा जा सकता है, यानी पट्टियां बंधी हुई। वैसे ज़्यादातर उनके जो कान की साइड का था वो दिखता नहीं है पोर्ट्रेट्स में। जो लोग सेंट रेमी में चित्रित करते हैं वे अपने दाहिने कान के सामने दाईं ओर से सिर दिखाते हैं ना, तो मतलब जो सेंट रेमी में चित्रित किया गया है उसमें उनका जो दाहिना कान है उसके सामने दाईं ओर से वे सिर दिखाते हैं, जैसा कि उन्होंने खुद को अपने दर्पण में प्रतिबिंबित किया है, मतलब जैसा कि उन्होंने अपने खुद को जो उनका खुद का दर्पण है उसमें उन्होंने प्रतिबिंबित किया गया है। अब ये फर्स्ट पोर्ट्रेट है इनका, सेल्फ पोर्ट्रेट विद ग्रे फेल्ट हैट। ठीक है, मतलब उनका खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट है ये विद ग्रे फेल्ट हैट, है ना, ये ग्रे कलर की हैट है, और विंटर का सीन है ये 1887 से 1888 का। ठीक है, ये 87 से लेके 1888 का बना हुआ है, वैन गॉग म्यूज़ियम एमस्टर्डम। ठीक है, तो वैन गॉग म्यूज़ियम में है ये, एमस्टर्डम में है। इसमें देखिए आप जैसे कंपेयर कर सकते हैं, इसमें ब्लू बैकग्राउंड है इनका, ग्रे हैट है, ब्लू ही इनकी जैकेट है। ठीक है, इसमें आप देखिए, इसमें जो इनकी हैट है वो येल्लो है,
और बैकग्राउंड जो है वो ये ऑरेंज लाइट ऑरेंज सा है, और जो इनकी ये है ये भी मिक्स है, और सब में आप देखेंगे कि जो टेक्सचर है वो सेम सा ही है ना। सेल्फ पोर्ट्रेट में ये है इनका विद स्ट्रो हैड, पेरिस विंटर 1887 से 88, ठीक है, ये भी 1887 से 88 का बना हुआ है विंटर का। बस इसमें सेल्फ पोर्ट्रेट विद ग्रे फेल्ट हैड है, ये सेल्फ पोर्ट्रेट विद स्ट्रो हैड है, ठीक है। ये कहाँ पे है? मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क, ठीक है, मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में है, और ये था आपका वैन गॉग म्यूजियम में, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ पोर्ट्रेट, देखिए आप इसमें देखिए ये बिना हेड के हैं, है ना, ये बिना हेड के हैं। सेल्फ पोर्ट्रेट सितंबर 1887 आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, ठीक है, तो ये भी इनका सेल्फ पोर्ट्रेट है, और ये 1887 का बना हुआ है सितंबर का, और ये कहाँ पे है? आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, ठीक है। और इसमें देखिए आप, इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट दिखेगा आपको इनका पोर्ट्रेट, इसमें हेड नहीं है, इनके हेयर्स आपको शो हो रहे हैं, बैकग्राउंड ब्लू है, मिक्स मतलब मिक्स है वैसे तो, पर वैसे बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा डार्क है, उसमें लाइट था, ठीक है। इनकी जो जैसे हमने अभी पीछे बात की थी, जो इनकी शेव है दाढ़ी है वो आपको कहीं कहीं रेड दिखेगी, है ना, और कहीं कहीं राख के कलर की दिखेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे येलो शेड में आ रही है हल्की हल्की राख के कलर में, और यहाँ पे हल्की सी रेड से थोड़ा मेहरून टच में है, है ना। तो सब में इनका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रूप दिखेगा आपको। यहाँ पे इनकी जो जैकेट है वो डार्क कलर की है, ठीक है। तो ये इनके तीन सेल्फ पोर्ट्रेट है, मतलब फाइव है वैसे सेल्फ पोर्ट्रेट, एक आगे है ये सेल्फ पोर्ट्रेट 1883, इसमें भी देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, इसका बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ डिफरेंट है, उसमें डॉट्स का था, इसमें कुछ लहर टाइप में है जो, है ना, मतलब दिखेगा इनका ऐसे ही, प्लेन में नहीं है, टेक्स्चर में ही रहता है कुछ ना कुछ। तो ये भी इनका सेल्फ पोर्ट्रेट है, ये 1889 का है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वॉशिंगटन DC, है ना, ये 1889 का है, ये 1887 का, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये 87 से लेके 88 का है, और ये 87 से लेके ये भी 88 का है, मतलब इसी सब उसके हैं, ये इसी क्रम के हैं, ये आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो का, ये वॉशिंगटन DC का, सब अलग अलग जगह के हैं, वो स्टार्टिंग वाले दो सेम थे, ठीक है, उसके बाद वो शिकागो का है, ये वॉशिंगटन DC का है, ये नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में है, ये 1889 का है, ठीक है। जैसा कि इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड ब्लू है, इनकी शर्ट ब्लू है, और यहाँ पर जो इनकी धाड़ी है वो रेड टच में दिखाई गई है, ठीक है। अब यह सेल्फ पोर्ट्रेट विदाउट बियर्ड है ना, ये देखो इसमें कितने अजीब से लग रहे हैं कि यहाँ पे आपने सब यहाँ पे इनको बियर्ड में देखा है, दाढ़ी में देखा है, और यहाँ पे ये विदाउट बियर्ड हैं तो बहुत अजीब से लग रहे हैं, बाल भी इनके यहाँ थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है, ये विदाउट शेव हैं, तो सेल्फ पोर्ट्रेट विदाउट बियर्ड सेप्टेम्बर 1889, ठीक है, ये भी 1889 का है इनका, ये भी 1889 का है, ये सेप्टेम्बर का है। दिस पेंटिंग मे हैव बीन वॉन गॉग लास्ट सेल्फ पोर्ट्रेट, है ना, मतलब ये बताया कि ये जो पेंटिंग है ये वॉन गॉग की लास्ट सेल्फ पोर्ट्रेट है। ही गेव इट टू हिज मदर एज ए बर्थडे गिफ्ट, मतलब ये जो उन्होंने ये अपनी मदर को दिया था उन्होंने एज ए बर्थडे गिफ्ट में, ठीक है, तो ये इनका लास्ट पोर्ट्रेट है। ये आप ध्यान रखना, जो सेल्फ पोर्ट्रेट विदाउट बियर्ड है वो लास्ट है, बाकी इनके ये टोटल मतलब 5 सेल्फ पोर्ट्रेट थे इनके, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया, मैं स्टार्टिंग में बात भी किया था, और सेल्फ पोर्ट्रेट्स में हमने इनके बारे में यहाँ पे ये बात किया है, वही हमें यहाँ पे इनके पिक्चर्स में दिखाया है ना। देखो इनकी आईज़ हैं, आप ये देखिए धसी हुई है, ठीक है, पतला सा इनका मुँह है अंदर को, यहाँ से देखिए आप रेड धाड़ी है, वही सब हमने मतलब सेल्फ पोर्ट्रेट्स आप इजीली लिख सकते हो, जो पोर्ट्रेट में आप देखेंगे वही आपको डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है सेल्फ पोर्ट्रेट वाला टॉपिक, है ना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्लावर्स। वॉन गॉग ने गुलाब, लिलॉक, इरीज और सूरजमुखी सहित फूलों के साथ कई प्रदर्शन चित्रित किए, मतलब जो वॉन गॉग जी थे उन्होंने गुलाब के साथ भी, लिलॉक के साथ भी, इरीज के साथ भी और सूरजमुखी सहित मतलब कई कई परिदृश्य उन्होंने चित्रित किए हैं फूलों के साथ। कुछ लोग रंग की भाषा में और जापानी उकियो ई, है ना, ये आपने सुना भी होगा जब आपने जापानी पढ़ा होगा, मेरे उनको उनकी रुचि को दर्शाते हैं। मरने वाले सूरजमुखी की दो श्रृंखलाएँ हैं, सबसे पहले 1887 में पेरिस में चित्रित किया गया था और ज़मीन पर फूल दिखाई देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वॉन गॉग जी ने गुलाब, लिलाक, इरी, सूरजमुखी सहित कई फूलों के साथ उन्होंने अपने कई परिदृश्य चित्रित किए हैं, जैसे कि आगे PPT में आपको दिखाएंगे, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं।
और जो कुछ लोग हैं उन्होंने रंग की भाषा में और जापानी उकियोई में उनकी रुचि दर्शाते हैं, यानी जो मतलब कुछ लोग उनको रंग की भाषा में भी दिखाते हैं और जापानी उकियो जो ई है उनकी उसमें रुचि भी दर्शाते हैं। मरने वाले सूरजमुखी की दो श्रृंखलाएँ हैं, सबसे पहले 1887 में पेरिस में चित्रित किया गया था, मतलब जो पहला था वो 1887 में चित्रित किया गया था, और ज़मीन पर फूल दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब जो हम आगे आपको वो दिखाएंगे पेंटिंग, उसमें उसमें बताया गया है कि क्या दिखाया गया है। दूसरा, सेट ऑल्स में एक साल बाद पूरा हुआ और सुबह के उजाले में तैनात फूलदान में गुलदस्ते का था, है ना। मतलब दूसरा जो है, एक तो कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था 1887 में, दूसरा कहाँ पे हुआ था, सेट ऑल्स में हुआ था। ठीक है, जो एक साल बाद पूरा हुआ और सुबह के उजाले में तैनात फूलदान में गुलदस्ते का था। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।